जय हिंद, आप देख रहे हैं पृथ्वी टीवी। मैं सवाल बेहद बड़ी तस्वीरों को लेकर के हाजिर हूं। जिस तरीके से रीवा दो दिनों से ज्यादा वायरल है और एक ऐसा घटनाक्रम जिसके बाद में जिसने भी देखा पूरी तरह से रूह कांप गई। मध्य प्रदेश में लगातार गुंडा राज खत्म करने की बात हुई, लेकिन एक ऐसी तस्वीर जिस पर एक आज नया मोड़ आ गया, जहां पर हिनौता कोठार का जो मामला है 20 जुलाई की बात लगभग 2 बजे के आसपास से बताई जाती है, दो पक्षों के जमीनी विवाद में और वह विवाद एक ऐसा इस कदर पर पहुंच जाता है कि आरोप लगाया जाता है फरियादी पक्ष से कि 50,000 रुपए लेकर के जो डंफर मालिक है राजेश सिंह, उनके द्वारा मोरम गिरवाया जा रहा था जबरन। अब इससे क्या सत्यता है तो प्रशासन अमला जांच पर जुटा है और जांच के बाद ही पूरी तरह से स्पष्ट कर पाएगा। लेकिन एक बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है और कहीं न कहीं से यह है कि जिनके ऊपर आरोप लग रहा है डंफर मालिक राजेश सिंह की, जो माफिया रूपी जो लोगों ने एक नया कहीं कहीं स्वरूप दिया है, उनका एक ऑडियो बहुत तेज के साथ में वायरल हो रहा है, जिसपे वो कहीं कहीं से अपने ड्राइवर से बात करते नजर आ रहे हैं कि हम अब ट्रक अपना वापस लेने नहीं आएंगे, यानी हाईवे लेने नहीं आएंगे जब तक ये 2 पुलिसकर्मियों के ऊपर हम कुचल नहीं देंगे। पहले आप ऑडियो सुन लीजिए, इसके बाद हम तमाम बारी बारी से खुलासे हम करेंगे, जहां पर कहीं कहीं से इस पूरे घटनाक्रम को लगातार बचाने का प्रयास के आरोप लगाए जा रहे हैं। जरा थोड़ा सुन लीजिए ऑडियो। हेलो हेलो सर जी, के चढ़ाओ गाड़ी। हम जेके जेके का सगली हाइवा दौड़ाओ गड़मा। बता दे राजेश सिंह बोली ला एसपी लगे हम कॉल लेटर भेज दे अकाल हम गाड़ी दौड़ाओ चाहे मार हम बर्बाद हो जाए तो मार डाल मार कॉल हम हमार BS6 अब BS4 अच्छे बची है पूरे बाईपास अंदर लवरी रोड दौड़ाओ चाहे 100 नंबर मिले चाहे हम फेंक के बुलेट चढ़ाए जब मर जाए तब माद हम जमानत कराओ। जब हम छत्री के जमाना है बोला लाही मार चाहे हमारे वो BS4 8 रोज खड़ी रहा है अच्छे 13 लोग देखे अभिषेक के चक्कर में 13 लोग अच्छे खड़ी रही है अब 13 तो नहीं जाना है अब बोली लाज में निहार आ जाऊ अभिषेक का होकर दूध काम चढ़ा दे मार डाल अब तब गाड़ी जमानत कराओ समझे कौनो मार भोस नहीं खाई थे 36 घंटा मेहनत करके कमाई थे मार लूटी नहीं आया न गांजा बेची न दारू न रंडी के व्यवसाय का 5 करोड़ के डेरा बनाए हैं शान के लेकिन ये शान न हम मुरुम लाते हैं तू इनके घर के लुखन के परिचाना गाड़ी बन के दे रहे हम घर थाने में निहारा है ना जब तक हमारे ड्राइवर दूठे इनका रहू भी न डरी तब तक हम छुड़ावे नहीं आ सकी छुड़ाओ तब जब इनका दूठे में रहू जाए सब तरह के रहो दूध के रहो बाप अभिषेक बाबा का आओगा अभिषेक मारा दूठे कराऊंगा और इस साहब का मतलब हमसे और तो हमसे दोनों मतलब नहीं आए ये पंगा दूठे यूपी के आए हमसे पंगा ले ही आए हम अपने ज्यादा सिस्टम नहीं मारी थी केव का स्पीकर लगा के सुना दे अपन जान बचावा अपने लड़का बच्चा सुप्रिया करा काल की जिंदगी बचे हमार हाँ ला बुलेट चला मा बारा मन जमा चला जब क्या चला के मर जाए मा यहाँ मैं जमात करा ले यहाँ जज मजिस्ट्रेट मर जा तो बाहर नहीं हो एक सिपाही जो मरे का हो मेहनत के रहे कमाने हैं मरवा जा रहा सम्मान न खूब मा पूरी भाजी बनाए हैं तो कहा ले राजा सिंह डाला खड़ा कर दे आप पूरा ऑडियो सुने। ये बकायदा राजेश सिंह जो डंफर मालिक हैं, जो कहीं कहीं से खनिज के जितने भी मोरम रेत इन सब का सप्लाई करते हैं, जितने भी ट्रेडर्स के जो स्वरूप हैं उनको पूरा सप्लाई करते हैं, ये भी उनकी दुकान है, आप तस्वीरों पर देख पा रहे होंगे और ये मढ़ी में पूरी दुकान है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जहां कहीं ना कहीं से देखा गया दो पक्षों के विवाद में एक बड़ा बात यह है कि आरोपी बनाया गया दो उसी परिवार यानी विपक्ष को, यानी जहां पर नाम जो सामने आ रहा है जिस तरीके से उनका भाई बता रहे हैं विपिन पांडे, जो गोकर्ण पांडे जो पिता हैं 75 वर्ष के हैं और उनके बालक हैं विपिन पांडे, और एक आदिवासी जो ट्रक चालक था उनको आरोपी बनाया गया, यानी कुल मिला के 3 आरोपी कहीं कहीं से बनाए गए हैं जहां पर ट्रक चालक को गिरफ्तार करने की बात सामने आ रही है।
लेकिन इसके बावजूद भी वीडियो के आधार के रूप में प्रशासन अमले का कहना है कि दोनों पक्षों में एक विवाद था, जमीनी विवाद जो काफी दिनों से चला आ रहा था, इस पर जो भी दोषी होंगे उन पर कहीं ना कहीं से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि वह राजेश सिंह, जिनकी आपने ऑडियो के रूप में पूरी तरह से आपने तस्वीरों पर देखा और पूरी तरह से पुलिस प्रशासन अमले को खुली चेतावनी दे रहे हैं, यानी इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके जो हौसले हैं कितने तेजी के साथ बुलंद है, उनकी साठगांठ कितने तेजी के साथ है। और जिस तरीके से ये परिजन जो आरोप लगाए हैं, जो पिछली वीडियो बिंद प्रदेश टीवी में आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, उस पर आप परिजनों का आरोप साफ तौर पर सुन सकते हैं। परिजन जो कहते हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी कहते हैं, वो कहते हैं कि 50,000 रुपए लेकर के राजेश सिंह के द्वारा 3 हाइबा मोरम और जेसीबी, यानी एक झटके में उस रास्ते को बनाने की बात हो रही थी, और वो जबरन मना करने के बावजूद भी कहीं कहीं से उस पर मोरम पलटा देते हैं। और कहीं कहीं से यह भी देखने को मिला, हालांकि छोटा सा मैं विधायक जो मनगा विधायक हैं उनका मैं बयान सुनाने का प्रयास करता हूं किस तरीके, आप थोड़ा सा वीडियो सुन लीजिए। एक हाइवा जो कि बहुत ज्यादा टोटली लोडेड था, वहां पर लेकर के आए संबंधित ठेकेदार थे राजेश सिंह जो है। तो राजेश सिंह ने ड्राइवर को जो है ऐसे करके बोला कि भाई, जैसे पीछे से ऐसे इशारा किया जाता है, तो उस ड्राइवर ने उसको अनलोड कर दिया। इस पे आपने वीडियो को सुना, इसमें जो छोटा सा मैं कट पॉइंट कर रहा हूं, हालांकि कई चैनलों में इनका बयान देखने को मिला है, कहीं कैसे कह रहे हैं कि मालिक जो होते हैं राजेश सिंह, वो ऐसे इशारा कर रहे थे। तो उस इशारे में आखिर पीछे ही होकर के राजेश सिंह पीछे थे और इशारा कर रहे थे ट्रक चालक को कि आने दो अब गिरा दो। अब ड्राइवर पीछे तो देख नहीं रहा था, तो राजेश सिंह दोषी है या फिर ट्रक चालक, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्योंकि राजेश सिंह के ऊपर जिस तरीके से आरोप लगाया गया कि 50,000 रुपए लेकर के सरहंगी ऊपर पूर्वक वोट मोरम डलवा रहे थे, पीछे ट्रक के जो मालिक यानी हाइवा के जो मालिक राजेश सिंह थे, वो इशारा कर रहे थे ड्राइवर को आने दो और वो बोलते हैं गिरा दो, जबकि वो पीछे थे और देख रहे थे कि ये महिलाएं यहां पर बैठी हैं, फिर भी मोरम गिरा करके हत्या का प्रयास किया गया। तो यहां पर मुख्य दोषी कौन है, इस पे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ट्रक चालक है जो बेचारा गरीब जो ट्रक की ड्राइविंग करता था, पेट पालता था, वो है, या फिर ये जो 5 करोड़ का सौदा करने वाले जो राजेश सिंह हैं, जो पुलिस को धमकी देने वाले हैं, इनकी चाहे संपत्ति पूरी बर्बाद हो जाए इस तरीके की बात करने वाले वो हैं, आखिर इनका भी नाम अभी तक सामने क्यों नहीं आया, कहीं कैसे बड़ा गंभीर सवाल। और कहीं कैसे देखेंगे पूरी तस्वीरों पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पूरी तरह से पोस्ट, इसके अलावा तमाम देखेंगे तमाम लोगों का, पीआरओ रीवा, इसके अलावा एसपी का, देखिए ये जो आप स्क्रीन पूरी तरह देख रहे हैं ये बयान है, आपने अनेकों चैनलों पर देखा है, इसके अलावा कलेक्टर का बयान। लेकिन इस पर कहीं न कहीं से अभी तक स्पष्ट यह नहीं हो पाया है कि जानबूझकर डाला गया या फिर केवल यह घुमा फिरा के मामले को सलटने का प्रयास, और कहीं कहीं से किस तरीके से चौकी प्रभारी जो गगेव है उनका क्या साठ गांठ रहा है, यह पूरा जो तस्वीर है दिल दहलाने वाला तस्वीर, पूरे से भयावह तस्वीर, पूरी तरह से रीवा शर्मसार होता है, रीवा की पुलिसिंग व्यवस्था शर्मसार होती है। कहा यह भी गया कि वहां पर पुलिस प्रोटेक्शन भी था, यानी 16 नंबर की गाड़ी भी थी, अगर गाड़ी थी तो गाड़ी कर क्या रही थी। और वहां पर जो जेसीबी तस्वीरों पर जो देखने को मिला, जेसीबी क्यों थाने पर नहीं गई, ये कहीं कहीं से बड़े सवाल, गंभीर सवाल। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, यह पूरे दर्दनाक हादसे को लेकर आपकी क्या सोच है, कमेंट बॉक्स में बताना भूलिएगा। और यहां मध्य प्रदेश के अंदर क्या कुछ कानून का डर है और कितना डर है वो भी आप बताने का प्रयास करिएगा। बने रहे मित्र पीटीवी के साथ, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आप देखने के लिए पिछले आप वीडियो देख सकते हैं, क्या कुछ इसमें कहना है, कैसी वहां की तस्वीर थी और कैसे वहां पूरा घटनाक्रम हुआ, के लिए हम लेते हैं विदा, पुनः बड़े खुलासे के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक आप बने रहे मित्र पीटीवी के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।